ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका बुमभोले टेम्पल्स ऑफ इंडिया में। एक और सोमवार और एक और प्राचीन मंदिर। इस वक्त हम मौजूद है बड़ौदा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर गांव कयावरोहन में, जहां स्थित है कयावरोहन का ही प्राचीन मंदिर। आज हम दर्शन करेंगे इस मंदिर के। भगवान शिव की भक्ति में चाहे आप जल चढ़ाए ना चढ़ाए, चाहे आप बेलपत्र चढ़ाए ना चढ़ाए, सबसे ज्यादा अहम जो बात मानी जाती है वो है तप करना। इसीलिए कयावरोहन मंदिर के नीचे ही है मोक्ष धाम, जहां आप शांति से बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अब हमारे साथ हैं संत मुक्तानंद जी, आइए इस मंदिर के बारे में और जानते हैं उनसे। संत जी बताइए इस मंदिर की कहानी क्या है। ये कयावरोहन महातीर्थ है, 51वां महातीर्थ है। हमारे शास्त्रों में 68 महातीर्थों का वर्णन किया है। इसमें से भगवान शिव जी की ये जन्मभूमि है एवं कर्मभूमि भी है। यहाँ भगवान ने 5,500 साल पहले एक मनुष्य शरीर में परकाय प्रवेश किया था, क्योंकि भगवान के अब तक 28 अवतार हुए। 2828 अवतार भगवान शिव जी कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो परकाय प्रवेश ही करते हैं। और योग का जो हमारी विद्या है उसका प्रचार प्रसार एवं स्थापना करते हैं, क्योंकि योग के द्वारा हम सनातन शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम इटर्नल बॉडी कहते हैं और एजलेस बीइंग भी कह सकते हैं, जिसे व्यक्ति जरा मृत्यु एवं रोग ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारी सही संस्कृति तो यह है कि हम रोग मृत्यु एवं गड़पण को जीत लें। तो भगवान ने 5,500 साल पहले यहाँ जन्म लिया था, काया में, मानव काया में अवतरण किया था, इसलिए ये स्थान का नाम कयावरोहन पड़ा। साथ ही साथ में सती माता ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पोता अपना शरीर विलीन किया, भगवान शिव जी उनको लेकर चले थे, तो विष्णु भगवान ने उसके 108 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ भगवान माता जी के जो शरीर के भाग पड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ बनी। तो यहाँ माता जी का कंधे का भाग है, तो इसलिए ये शक्तिपीठ भी यहाँ है। भगवान विष्णु यहाँ पधारे थे त्रेता युग में, भगवान राम जी के समय में विश्वामित्र ऋषि ने ये, उस समय में वो मायापुरी थी, उसको दूसरा काशी बनाने के लिए संकल्प लेकर तहत यहाँ तप किया और गायत्री मंत्र का आरस दर्शन भी उन्होंने यहाँ ही किया। तो इसलिए ये विष्णुपीठ भी है। यहाँ राम मंत्र का, विष्णु मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप करने से सत्कर सिद्धि प्राप्त होती है। और ये शक्तिपीठ, शिवपीठ एवं विष्णुपीठ होने के कारण उसका दूसरा नाम सिद्ध क्षेत्र भी है। यहाँ जो भी आप धार्मिक आध्यात्मिक क्रिया करते हैं उसका करोड़ गुना फल ज़्यादा मिलता है। तो ये स्थान की महत्ता है। और भगवान शिव जी ने ये जो हमारी सनातन संस्कृति है जो अब हम बिसरते जा रहे हैं, सभी लोग योग के नाम पर कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन सही मायने में सच्चा योग तो मनुष्य को मुक्त करता है और ये रोग से, मृत्यु से एवं गड़पण के बंधनों से भी मुक्त करता है। तो ये जो सही विद्या है जो मनुष्य को अजर अमर बनाती है, वो विद्या भगवान ने यहाँ 1913 में फिर से स्थापित की।
यम यम चिंतयति तम तम प्राप्यते नरः, यम योगम चिंतयति तम प्राप्यते योगः, यम भोगम चिंतयति तम प्राप्यते भोगः। जो योग का चिंतन करता है भगवान उनको योग का फल देते हैं, जो भोग का चिंतन करता है भगवान भोग का फल देते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सर्व पाप हरम पुण्यम श्रीमद कायावरोहण कायावरोहणे तीर्थे मूर्तिमान शंकर स्वयं। क्योंकि ये जो भगवान की मूर्ति है किसी शिल्पी ने नहीं बनाई है, विश्वामित्र ऋषि ने तपश्चर्या की थी, तब ये जो आकाश में से जो तारे गिरते हैं उसको हम उल्का कहते हैं, मिट्योरिक स्टोन। तो मिट्योरिक स्टोन में से विश्वामित्र ऋषि ने ये मूर्ति की स्थापना की थी। और ये मूर्ति है जो लिंग है 17.5 लाख साल पुराना है, और ये मूर्ति है वो भगवान जब स्वयं ज्योति बनकर इस लिंग में समा गए तब ये मूर्ति उभर आई, किसी शिल्पी ने नहीं दी। इसलिए कहा है कि ये मूर्तिमान शंकर स्वयं भगवान स्वयं मूर्ति के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। और दूसरा एक बहुत अच्छा शास्त्र में कहा गया है कि यस्य दर्शन मात्रेण मुच्यते सर्व पातके, आपका जो भी पाप अथवा तो खराब कर्म है भगवान के दर्शन मात्र से सब बैनिश हो जाते हैं। तो यहाँ आने वाला आता है तो पाप के साथ, लेकिन जाता है तब पाप मुक्त होकर जाता है। तो जो भी व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए आएगा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और किसी न किसी जन्म में वो मुक्त हो जाएगा। जो पूरे तन मन धन से इसके पीछे लग जाएगा उनकी एक जन्म में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो सुना आपने इस जगह की महत्ता के बारे में, अगर आप नहीं आए हैं तो आइएगा जरूर। आप और हम मिलेंगे अगले सोमवार को बाबा के एक और प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए खुश रहिए और जपते रहिए हर हर महादेव।